भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल आज पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद ज्वालामुखी पहुंचे और माता के दर्शन किए। पुजारी द्वारा उन्हें विधिवत पूजा अर्चना करवाई गई। मंदिर प्रशासन की तरफ से उन्हें माता का सिरोपा व चुन्नी भी भेंट की गई। राजीव बिंदल ने माता ज्वालाजी से आशीर्वाद मांगा कि वह अध्यक्ष होने के नाते पार्टी, समाज व प्रदेश की जनता की भरपूर सेवा कर सके और बीजेपी लगातार देश हित व प्रदेश हित में कार्य करते रहे। उन्होंने पत्रकारों से भेंट वार्ता के दौरान बताया कि बीजेपी सरकार हमेशा देश व प्रदेश हित में अग्रणी भूमिका निभाएगी। प्रदेश में जयराम सरकार के 3 वर्षों का कार्यकाल बहुत ही सफल रहा है और सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। बीजेपी सरकार पुनः 5 वर्षों के लिए चुनी जाए और प्रदेश हित व समाज सेवा के लिए निरंतर कार्य करती रहे। कांग्रेस पार्टी ने जिस द्वेष भावना से कार्य किया, उन्हें दूसरे की भावना भी वैसी ही दिखाई देती है। उन्हें कहीं ना कहीं चश्मा उतारने की आवश्यकता है। प्रदेश व जयराम सरकार तीव्र गति से विकास कार्य कर रही है और जयराम सरकार की 68 विस क्षेत्रों में हर समाज वर्ग से जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश सरकार का कार्यकाल बहुत ही सफल रहा है। मुख्यमंत्री का ज्वालामुखी दौरा और लगातार प्रवास करना और जनता से मिलना सरकार के बेहतर कार्य का प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन किया है। हम मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, केजरीवाल की सरकार बनी है और हमने उनको बधाई भी दी है, परंतु क्या पूरा देश मुफ्त खोरों का देश बनाया जा सकता है? क्या हम बिजली, पानी, प्रवहन, परिवहन हर चीज मुफ्त देकर के वोट तो ले सकते हैं, परंतु देश का विकास कर सकते हैं क्या? अगर ये यही मॉडल हिमाचल प्रदेश के अंदर विचार करें तो एक भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, कर्ज ले करके तो हमारा प्रदेश चलता है। और ऐसी सूरत के अंदर अगर जे केजरीवाल फॉर्मूला हिमाचल प्रदेश अडॉप्ट कर ले, पंजाब अडॉप्ट कर ले, हरियाणा अडॉप्ट कर ले, तो दिल्ली के अंदर तो सोर्सेज बहुत ज्यादा है, टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, आमदनी बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद उनका ढांचा 6 महीने में चरमरा गया है। और ये जो डिपेंडेंसी है, हम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको आत्मनिर्भर करना चाहते हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। अब उनको रोजगार दीजिए, आप उनको प्रबंध दीजिए, आप उनकी आमदनी बढ़ाइए, आप उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, आप उनको अच्छी चिकित्सा दीजिए, समाज सेवा के मामले में आगे बढ़िए, परंतु समाज के किसी वर्ग को आकर्षित करने के लिए केवल और केवल और उनको लालच के आधार के ऊपर अपने साथ जोड़ना, ये स्वस्थ राजनीति का लक्षण नहीं है। इसलिए जो मॉडल दिल्ली का है वो अनुकरणीय नहीं है और कम से कम देश को ये मॉडल स्वीकार नहीं करना चाहिए। सभी राजनेताओं को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। पे प्रहार कर रहा है खनन को लेकर, इसके बारे में बताइए सर। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिन्होंने जिस भावना से सदैव काम किया, उन्हें दूसरे की भावना भी उसी प्रकार की प्रतीत होती है। कहीं ना कहीं उन्हें अपना चश्मा उतारने की आवश्यकता है और जिस तीव्र गति के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार, श्री जयराम ठाकुर की सरकार विकास के मामलों में आगे बढ़ती भी दिखाई देती है, जन जन को स्पर्श करती भी दिखाई देती है। और जैसा विदित है कि आने वाले कल माननीय मुख्यमंत्री जी ज्वाला जी पधार रहे हैं, अर्थात वो उनका लगातार प्रवास करना, लगातार भ्रमण करना, 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जाना, इस बात का द्योतक है कि सरकार बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। लोकतंत्र में किसी भी सरकार की जो परीक्षा होती है वो चुनाव रहता है। पार्लियामेंट के चुनाव में जहां पूरा देश फतेह किया मोदी जी ने, वहां अनेक विशिष्टताएं हिमाचल के चुनाव की रही। 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में लीड प्राप्त करना, बड़े बड़े धुरंधर कांग्रेसियों के अपने विधानसभा क्षेत्रों से कमल के फूल का खिलना,
चारों पार्लियामेंट का विजित होना 69% वोट लेकर के देश में सर्वाधिक वोट प्रतिशत वाली पार्टी बनना, ये जयराम ठाकुर सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन दोनों की और श्री मोदी जी की लोकप्रियता के और प्रमाण है। इसलिए प्रतिपक्ष अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए कुछ भी कहे, मन से वो भी मानता है कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है। माता ज्वालामयी के श्री चरणों में नमन करते हुए महामाई से आशीर्वाद मांगा है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं पार्टी की, समाज की और हिमाचल प्रदेश की भरपूर सेवा कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति प्रदान करना ताकि भारतीय जनता पार्टी देश हित में, प्रदेश हित में लगातार आगे बढ़ती रहे, और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के बूते पर महामाई के आशीर्वाद से और भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व की संस्कृति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र और प्रदेश के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगी, ये आशीर्वाद लेकर के लेने हेतु आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार अगले 3 वर्षों में समाज सेवा के नए नए आयाम स्थापित करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करे और एक बार फिर इतिहास रचे कि 5 साल के लिए पुनः सत्ता पर आकर के समाज सेवा के और अधिक पहलुओं को छूते हुए हिमाचल के सर्वांगीण विकास के लिए सफलतम सीढ़ी पर चढ़ सकें, इस प्रार्थना के साथ आज महामाई को प्रणाम किया। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कांगड़ा से विभूष शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।